जो लोग पहली बार आए हैं, मैं न केवल उनका स्वागत करता हूँ बल्कि थोड़ा सा उनको परिचय भी दे दूँ। ये जो हॉल आप देख रहे हैं, ये प्रभु यीशु के अनुयायियों का प्रार्थना मंडप है या प्रार्थना मंदिर है, जहाँ संडे सुबह काफ़ी बड़ा सत्संग होता है। इतने ज़्यादा लोग आते हैं कि पीछे जो कुर्सियाँ रखी हैं वो सब जमाने के बाद भी कई बार लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, लेकिन होता सब मलयालम भाषा में है, लोकल लैंग्वेज में है। इसलिए मैं आप में से किसी का हार्दिक स्वागत उस मंडली में तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, यहाँ जो संडे शाम को इसी हॉल में हिंदी सत्संग होता है, इसमें मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। याद रखें, हिंदी का वो जो प्रसिद्ध श्लोक है, जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। हमको लगता है जब फुर्सत मिले तब जाएंगे सत्संग के लिए। भाई, बहुत ही प्रसिद्ध वो स्टेटमेंट है, जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। भैया एक मौत को और दूजा सृजनहार, ये दो चीज़ें इसको कभी ना भूलें। और इस कारण, चूंकि दुनिया तो कभी ना कभी छोड़ के जाना है, जो निर्णय लेना है वो इस जीवन में लेना है, और इसलिए बस ये नहीं सोचना कि फुर्सत होगी तो जाएंगे, फुर्सत होगी तो जाएंगे। गांव छोड़कर वहां से हजारों किलोमीटर दूर आके केरल में काम कर रहे हैं, कभी फुर्सत नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए समय निकाल कर संडे शाम को सत्संग के लिए आ जाया करें, ये मेरा अनुरोध है। दूसरी बात, जो पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ ये सभा प्रभु यीशु, जिनको अपन उत्तर भारत में ईसा भी कहते हैं या ईसा मसीह कहते हैं, ईसा मसीह के अनुयायियों की ये मंडली है, उनका सत्संग है। ईसा को अपन ईसा बोलते हैं, मध्य प्रदेश वगैरह में ईसा को यीशु बोला जाता है, अलग अलग नाम लेकिन व्यक्ति एक ही है। ईसा के अनुयायी लोग जनरली जिस धर्म पुस्तक का उपयोग करते हैं, इसको अंग्रेजी में बाइबल कहा जाता है, हिंदी में धर्मशास्त्र कहा जाता है, अन्य भाषाओं में क्या क्या बोला जाता है ये वही लोग जानते हैं जो इन भाषाओं को पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे बगल में उड़िया भाषा में कंप्लीट बाइबल रखा हुआ है, बंगला भाषा में कंप्लीट बाइबल रखा हुआ है। यदि कोई बोडो जानता हो तो एंग्लो बोडो में भी पुस्तक यहाँ मेरे बगल में है, और यदि कोई देवनागरी बोडो का उपयोग करना चाहता है तो वो भी हमारे पास है। बाइबल के दो हिस्से हैं, एक जो प्रभु यीशु के समय के पहले लिखा गया था, उसको जो बाइबल का पूर्वार्ध कहा जाता है या पुराना नियम कहा जाता है। प्रभु के संसार में आगमन के बाद कुछ पुस्तकें लिखी गई थीं, उनको उत्तरार्ध कहा जाता है। शुरू शुरू में जो व्यक्ति प्रभु यीशु की जीवनी जानना चाहता है, उसके लिए बाइबल का उत्तरार्ध पर्याप्त है। बंगला भाषा में लिखा है, मुझे लगता है नूतन नियम लिखा है, हिंदी में नया नियम कहलाता है। वो आप अपने लिए एक फ्री कॉपी ले सकते हैं, ये गिफ्ट है। बाइबल चाहे तो जैसा मैंने कहा वैसा ले जाए। पवित्र बाइबल की रचना लगभग 40 लेखकों ने 1500 सालों में की थी। ये रचना हुई थी मध्य पूर्व में। अपन बीच बीच में सुनते हैं ना कि वहाँ इसराइल में युद्ध हो रहा है, ईरान इराक युद्ध हो रहा है, उस इलाके को मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट कहा जाता है। मिडिल ईस्ट में इसकी रचना हुई थी, और इस कारण मिडिल ईस्ट की भाषाओं में, मुख्यतया तीन भाषाओं में इसकी रचना हुई थी।
जिसका अनुवाद भारतीय भाषाओं में लगभग 2000 साल से होता आया है। प्रभु यीशु के 12 मुख्य शिष्य थे, जिसमें से एक शिष्य जो बहुत ही बड़ा चिंतक और हर चीज में क्या प्रमाण है ये पूछने वाला व्यक्ति था, वो शिष्य प्रभु यीशु की जीवनी की एक कॉपी लेकर एक प्रति के साथ आज से लगभग 2000 साल पहले यहीं इसी केरल में पास में कुडंगल्लूर नाम की जगह है, उस जमाने में वहाँ पानी के जहाज आया करते थे। लगभग ऐसा अनुमान है कि 1600 ईस्वी तक पानी के जहाज वहाँ आया करते थे। बाद में भूकंप के कारण पानी की गहराई कम हो गई, बंद हो गया। 50 ईस्वी में प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य बुद्धिजीवी, जिनका नाम अंग्रेजी में थॉमस कहा जाता है, या अपन हिंदी में जिनको थॉमा कहते हैं, संत थॉमा, प्रभु यीशु की जीवनी लेकर भारत पधारे थे 50 ईस्वी में, और बहुत जल्दी ही भारतीय भाषाओं में अनुवाद चालू हो गया था। और उसके आगे के 100-200 सालों में प्रभु के बहुत सारे अनुयायी लोग संपूर्ण बाइबल लेकर हिंदुस्तान पधारे, और धीरे 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 संपूर्ण बाइबल का अनुवाद हिंदुस्तानी भाषाओं में होने लगा। पिछले 200 सालों में बाइबल का अनुवाद बहुत तेजी से हो रहा है या हुआ है। इस कारण आज यहाँ जितने लोग इस सभा में बैठे हैं, आप में से जिसकी जो भी भाषा हो, हिंदी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, बोडो हो, आपकी भाषा में पवित्र बाइबल उपलब्ध है। और इसलिए यदि आपके पास अपनी मातृभाषा में बाइबल ना हो तो मुझसे या भाई जेफरी से बोल दीजिए, हम बहुत जल्दी ही आपकी मातृभाषा में उसका इंतजाम करवा देंगे। यहाँ तक कि सबसे आखिर में मध्य प्रदेश के भील लोगों की भाषा में भी अनुवाद हो गया है। मेरे एक अभिन्न मित्र, सहकर्मी और विद्यार्थी भाई पीटी थॉमस, उन्होंने अपना सारा जीवन वहाँ बिताया, विद्यार्थी जीवन के बाद का समय वहाँ बिताया। भीली भाषा में भी संपूर्ण उत्तरार्ध का अनुवाद हो चुका है और वो उपलब्ध है, और वो अब बाकी पूर्वार्ध के अनुवाद में लगे हुए हैं। इस तरह से पिछले 200 सालों में तो भारत की लगभग जो बोलचाल की भाषाएं हैं, मतलब मुख्य भाषाओं के अलावा, उसमें भी अनुवाद होने लगा है। सवाल यह है कि ये परिचय मैंने आपको क्यों दिया। मैंने ये परिचय इसलिए दिया कि जो लोग पहली बार इस पुस्तक को देख रहे हैं या जो पहली बार यहाँ सत्संग में आए हैं, हो सकता है उनके लिए इनमें से बहुत सारी बातें नई हों, और इसलिए इस महान ग्रंथ का जो सारांश है वो भी मैं जरा आपको बता दूं। ये भी बताता चलूं कि इस महान ग्रंथ के अनुवाद में मेरा भी हाथ बहुत रहा है। हिंदी में जो नया संस्करण आया था, जिसको नई हिंदी बाइबल बोलते हैं, उसमें मेरा सहयोग भी बहुत था। बाद में एक स्टडी बाइबल हिंदी में आया, जो आप में से शायद किसी ने नहीं देखा होगा, मैं उसका मुख्य संपादक था। इस कारण, दो कारणों से इस महान ग्रंथ के साथ मेरा जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। नंबर वन, मुझे जीवन में एक नई खुशी, एक नई शांति और जीवन में एक स्थायी निश्चय, मेरे भविष्य के बारे में जो मिला है वो इस महान ग्रंथ के द्वारा मिला है। कैसे मिला वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। नंबर दो, जब मैं 8वीं-9वीं में पढ़ता था, तब से इस ग्रंथ के साथ और इस ग्रंथ के महान ग्रंथ के अनुवाद और जो रिवीजन है उसके साथ मैं जुड़ा हुआ। इस कारण भी
बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक तरीके से भी मैं इस ग्रंथ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आप सबका ध्यान इस महान ग्रंथ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। आप शायद पूछेंगे कि आप महाशय कौन हैं, मुझे सब लोग शास्त्री फिलिप कहते हैं, भाई जेफरी ने शायद मेरा नाम लिया था। भाई जेफरी वो युवा था, वो इस सत्संग के युवा मेंबर हैं जो आपसे कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन आज संध्या को प्रभु के वचन से ये जो संदेश है ये आप तक पहुंच सके उसके लिए सिर्फ मैं या जेफरी जिम्मेदार नहीं है, और भी कई सारे भाई और बहन लोग हैं जिनके सहयोग के कारण ये सब चलता है। आज मैं खड़े होकर आपके सामने बोल रहा हूँ, इस बीच बाहर से आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं जिनको आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, वे भी इसी मंडली के लोग हैं जो लगे हुए हैं कि किसी तरह से बिजली आ जाए। तो शाम का ये जो सत्संग है ये बहुत सारे लोगों के सहयोग के कारण चलता है। सवाल यह है कि ये लोग ऐसा सहयोग क्यों करते हैं, क्या कारण है, वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम सब क्यों संडे संध्या को इस तरह से एकत्रित होते हैं। इस महान ग्रंथ को जैसा मैंने बताया 40 लोगों ने लगभग 1500 सालों में लिखा था। इसकी आखिरी पुस्तक आज से 2000 साल पहले लिखी गई। इसके पहले पुस्तक में हमको सृष्टि विवरण मिलता है, वहां लिखा हुआ है कि आदि में संसार के सृजनहार ने आकाश, आकाश से मतलब जो कुछ हम आसमान में देखते हैं, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वहां से लेकर इस महान ग्रंथ के आरंभ में हम सृष्टि विवरण देखते हैं कि किस तरह से सृजनहार ने मनुष्य को जो कुछ चाहिए हर चीज की सृष्टि की, और उसके बाद मनुष्य की सृष्टि करके मनुष्य को वहां रखा। कम से कम 6000 साल से इस सृष्टि में सृजनहार ने जो कुछ रखा है हम सब उसका उपयोग करते आए हैं, बल्कि पिछले 200 सालों में तो हम शोषण करने लगे हैं। आप पूछेंगे शास्त्री सर उपयोग और शोषण में क्या फर्क है? उपयोग और शोषण में फर्क यह है, मान लीजिए कि आपकी खेत है और खेत में आपने गाजर और मूली लगा रखे हैं, रास्ते में 4 लोग भूखे वहां से निकले, वो पूछते हैं कि भैया भूख के मारे हालत खराब हो रही है, तुम्हारे खेत में से 2-4 गाजर खा लें क्या? आपको दया आ जाती है, आप कहते हैं कि भैया पेट भर खा लो, अच्छे बड़े गाजर 3-4 वो खा लेगा तो पेट भर जाएगा। तो जो यात्री है वो 3-4 लोग पहले तो पेट भर के गाजर खा लेते हैं, पानी भी आपके कुएं से पी लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जिस साइकिल से आए थे चारों लोग साइकिल से एक एक बड़ा बोरा लेके आते हैं, इतना बड़ा बोरा जो आपने कभी ना देखा हो, और गाजर तोड़कर उसमें डालने लगते हैं। ये भूख मिटा रहे हैं या आपकी दया का शोषण कर रहे हैं? आपने उन लोगों के प्रति जो दया दिखाई थी उसका शोषण कर रहे हैं। आज से सहस्त्रों साल पहले जब प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की थी तब मनुष्य को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ प्रभु ने उनके लिए वहां रखा था, और मनुष्य से कहा था कि मैं तुमको इन सब चीजों का रखवाला बना रहा हूं, रखवाले के रूप में इनकी रखवाली करना, ऐसा ऐसा करना और ऐसा ऐसा ना करना। लेकिन इस महान ग्रंथ के द्वारा हमको ये जानकारी मिलती है कि मनुष्य को जिस बात से वर्जित किया गया था मनुष्य ने उसी कार्य को किया जो उसे करना नहीं चाहिए था, और इस तरह से अपने सृजनहार पालनहार के सामने वो पापी बन गया।
लेकिन प्रभु ना केवल सृजनहार हैं, ना केवल पालनहार हैं, प्रभु तारणहार भी हैं। तारणहार का मतलब क्या है? जो मुक्ति देता है, जो हमारे हमको पार लगा देता है, तरण कर देता है। प्रभु हमारे तारणहार भी हैं। और जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तब देखते हैं कि किस तरह से प्रभु ने मुझे और आपको मुक्ति देने के लिए तारणहार ने हमारे लिए रास्ता खोला। इस महान ग्रंथ में से एक श्लोक प्रभु की स्तुति है। एक श्लोक जो मैं 50 बार आपके सामने पढ़कर सुना चुका हूँ और जो मुंह जवानी सुना चुका हूँ, आज फिर से मुंह जवानी सुनाई देता हूँ, लेकिन बताता हूँ कहाँ है। खोलने खालने की कोशिश ना करें, क्योंकि बिजली आ रही है जा रही है, जो आँख मिचौली है उसके बीच में आप कहाँ तक खोलेंगे पढ़ेंगे। मैं पढ़कर सुनाता हूँ। प्रभु के महान शिष्य यूहन्ना ने प्रभु की जो जीवनी लिखी है, प्रभु के 4 शिष्यों ने जीवनी लिखी थी, उसमें से यूहन्ना ने जो जीवनी लिखी है उसके 3 अध्याय के 16 पद में वो श्लोक या वो पद हमको मिलता है जिसका अनुवाद दुनिया की सबसे अधिक भाषाओं में हुआ है। वहाँ हम पढ़ते हैं, क्योंकि इस संसार के सृष्टा ने, मतलब सृजनहार ने, इस संसार से इतना प्रेम रखा कि उन्होंने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, जिससे कि इस संसार में जो कोई भी उस मुक्तिदाता पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, वो शाश्वत जीवन पाएगा। क्या मतलब है? सहस्त्रों साल पहले जब प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की थी, प्रभु की आज्ञा होते हुए भी कि भैया ये सब तुम्हारे लिए है, इन सब का संरक्षण तुम्हारी जिम्मेदारी है, हाँ एक काम करना, अपने आप को बर्बाद मत करना, लेकिन प्रभु ने जो कहा था इमीडिएटली उसका उल्लंघन करके मनुष्य पापी बन गया, उसने आपको बर्बाद कर दिया। उसके बारे में प्रभु के वचन में क्या हमको मिलता है ये मैं जरा आपके सामने रखता हूं। यूहन्ना के बाद अगली पुस्तक है प्रेरितों, उसके बाद अगली पुस्तक है रोमियो, उसके 3 अध्याय के 23 पद को या 23 श्लोक को मैं आज आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। वहां लिखा है, सब ने पाप किया है और प्रभु की महिमा से वंचित हैं। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जब प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की और मनुष्य को सब कुछ दिया, सब कुछ होते हुए भी मनुष्य ने प्रभु के विरुद्ध लंघन किया, और जो भी प्रभु के विरुद्ध लंघन करता है वो पाप कर रहा है, और जो पाप कर रहा है वो पापी है। जो चोरी करता है वो कौन होता है? चोर। जो हत्या करता है वो कौन है? हत्यारा। जो पाप करता है वो कौन है? पापी है। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि सब ने पाप किया है, जिसका मतलब है कि सब पापी हैं। जब मैं आपके सामने प्रभु के वचन से ये पढ़कर सुना रहा हूँ कि सब पापी हैं, तो आपको लगेगा कि शास्त्री सर आप हमारा इंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए क्षण भर के लिए कि मैं आपका अपमान कर रहा हूं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है, मान लीजिए कि ऐसा कोई बल्ब है विशेष प्रकार का जो आपके सर के ऊपर फिट कर दिया जाए, और आपके मन में जब भी कोई गलत भावना आती हो बल्ब ऑन हो जाए। यहां है क्या कोई जो ऐसा बल्ब अपने सर पे लगा के सबके सामने घूमने फिरने की हिम्मत रखता है?
मुझ में तो हिम्मत नहीं है। हाँ, ऐसा बल्ब आने वाला है। यदि आपको लगे कि शास्त्री सर आप कहाँ परी कहानियाँ सुना रहे हैं, परी कहानियाँ नहीं हैं, ऐसे मशीनों के ऊपर अनुसंधान हो रहा है जो बाकायदा दूर से आपके सर के पीछे से, जिस तरह से आप आजकल मोबाइल से चित्र उतार लेते हैं, इतने आसानी से आपके सर के पीछे से वो मशीन के द्वारा लोग ये जान सकेंगे कि आपके सर के अंदर क्या हो रहा है। जिस तरह से एक मोबाइल से आप ब्लूटूथ के द्वारा दूसरे मोबाइल पर डाउनलोड कर लेते हैं, बाकायदा अनुसंधान हो रहा है कि आप जो कुछ सोच रहे हैं वो सब डाउनलोड कर दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं परी कहानी ही सुना रहा। मान लीजिए कि अच्छा, प्रभु के आने में देर हुई तो यहाँ जितने बैठे हैं सबको प्रभु दीर्घायु देंगे। 2025 के आसपास बड़े आराम से आपके सर के ऊपर एक विशेष प्रकार का हेलमेट लगाकर आपके मन में जो कुछ हो रहा है उसको कॉपी किया जा सकता है। 2030 होते होते हेलमेट की भी ज़रूरत नहीं, बस उन्होंने मोबाइल सरीखा मशीन उठाया, आपके पीछे बैठ के यूँ देखा तो आपके दिमाग में जो कुछ हो रहा है सब वो पता चल जाएगा। अब जरा बताएं, इस तरह की कोई मशीन हो तो हम में से कौन है जो चाहेगा कि मन में जो हो रहा है वो सब दूसरे लोग जान सकें। देखिए, यदि हम सब यदि संत हैं, यदि हम सब भक्त हैं, संत हैं, पवित्र हैं, तो फिर हमारे मन में जो कुछ हो रहा है वो दूसरा देख ले तो क्या फर्क पड़ता है। और यदि हम ये चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि मन में क्या हो रहा है, तो उसका मतलब है कि हमारे मन में कुछ तो गलत बात है, और जो गलत बात है वही तो पाप है। ईश्वर की नज़र में जो भी गलत है वो पाप है, और जो पाप करता है वो पापी है। यही तो प्रभु का वचन कहता है कि सबने पाप किया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप ना किया हो। मैं दो बच्चों का बाप हूँ, अब तो बच्चे क्या बड़े हो गए हैं, मैं तो ग्रैंडफादर भी हो गया हूँ, लेकिन मैंने दो बच्चे पाले हैं इसलिए मैं जानता हूँ। आप सर्वोत्तम तरीके से बच्चे पालें, इसके बावजूद बच्चे शरारत करते हैं, कई बार जानबूझ के करते हैं। अच्छा, बच्चों को छोड़िए, अपने आप को ले लें। हम में से ऐसा कोई कौन व्यक्ति है जिसने बचपन में कोई गलती ना की हो। इवन बचपन में जब हमारा मन काफ़ी कुछ साफ और पाक रहता है तब भी हम गलती करते हैं, पाप करते हैं। क्यों करते हैं? करेला मुंह में कड़वा क्यों लगता है? अरे, करेले का स्वाद ही कड़वा है इसलिए वो मुंह में कड़वा लगता है। मनुष्य पाप क्यों करता है? इसलिए कि उसका स्वभाव ऐसा है। ये पूछा जाता है अक्सर कि करेले का बीज बो दो और सुबह शुरू से लेकर उसको शक्कर मिला हुआ पानी पिलाओ, तो बीज जो है उसमें से जो है अंकुर निकला, तब भी आप शक्कर का पानी देते रहते हैं। बीज डालने से लेकर जब तक करेला पक नहीं जाता आप सिर्फ शक्कर का ही पानी डालते रहते हैं। करेला मीठा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, करेला तो कड़वा ही होता है। इसी तरह से मैं और आप पैदाइश से जो नहीं करना चाहिए वो इसलिए करते हैं कि हम पापी हैं, और पापी जहां भी जाएगा वो जो कुछ करेगा वो पाप से भरा हुआ होगा। सवाल यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है क्या? इसका इलाज है। इसी पुस्तक के 6वें अध्याय के 23वें पद को पढ़ें। इसी पुस्तक के 6वें अध्याय के 23वें पद में हम देखते हैं, पाप की सजा है मृत्यु, पाप की मजदूरी है मृत्यु, लेकिन सृजनहार का वरदान प्रभु यीशु के द्वारा शाश्वत जीवन है। शाश्वत का मतलब क्या? जो कभी समाप्त नहीं होगा, अपन उसको अनंत भी बोलते हैं, अनादि अनंत। तो मनुष्य पापी है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा शाश्वत जीवन का वरदान प्रभु हम सबको देते हैं। आज से 60 साल पहले मैंने अपने पिताजी से ये प्रश्न पूछा।
60 साल, आप पूछेंगे 60 साल पहले आप पैदा हुए थे क्या? जी 60 साल से बहुत पहले पैदा हो गया था। पिताजी से मैंने पूछा कि पापा स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं। बालक के मन में एक कुतूहल था, एक कौतूहल था कि इधर कोई गुजर रहा है, उधर कोई गुजर रहा है, अड़ोस पड़ोस में कई लोग गुजर गए। पापा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? पापा ने कहा ये लोग इस संसार के बाद एक और लोक है, वहां जा रहे हैं। खुश रहेंगे क्या? तो पापा ने कहा वो तो इस पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? या तो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। तो मैंने पापा से उस संदर्भ में ये पूछा कि मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं। तब पापा ने प्रभु के वचन से वो श्लोक जो मैंने पहले आपको सुनाया था, योहन्ना 3:16, क्योंकि संसार के सृष्टा ने संसार से इतना प्रेम रखा कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे कि जो कोई उस प्रभु पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि शाश्वत जीवन पाए। जब पापा ने ये बात समझाई तो मैंने वहीं घुटने टेक कर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, जिसकी खुशी पिछले 60 सालों में मेरे जीवन में, और वही मैं आज शाम को आपको बताना चाहता हूँ। सहस्त्रों साल पहले मनुष्य ने ईश्वर के विरुद्ध लंघन करके अपने आप को पापी बना लिया। पापी जहाँ भी जाता है, जो कुछ करता है, वो पाप से भरा हुआ है। वो अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करे तो भी उससे नहीं हो पाता है। इसके लिए प्रभु ने स्वयं एक रास्ता खोला। प्रभु ने बोला मैं तुमको एक मुक्तिदाता प्रदान करूंगा जो तुमको मुक्ति देगा। मुक्तिदाता जो मुक्ति देंगे या जो मुक्ति देते हैं, 1,000 के करीब भविष्यवाणियां हुई कि मुक्तिदाता संसार में पधारेंगे। आज से 2,000 साल पहले मध्य पूर्व में अचानक आसमान में एक तारा दिखाई दिया। उस जमाने में मध्य पूर्व में तारों का अध्ययन बहुत होता था। अचानक जो नया तारा दिखाई दिया तो विद्वान लोग समझ गए, अरे बाप रे, कोई तो भी व्यक्ति किसी का जन्म हुआ है। उन्होंने उस तारे का बहुत क्लोजली अध्ययन किया तो एक बात स्पष्ट हो गई, तारा जिस पोजीशन में है उससे यह स्पष्ट है कि मध्य पूर्व में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है, और वो भी खास एक जगह पर। एक बात और स्पष्ट है, जो व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इन विद्वानों ने क्या किया, अपना सब कुछ बेच बाच के, उस जमाने में ऊंटों का काफिला होता था, ऊंटों के ऊपर चल दिए तारे को देख के। कहानी काफी लंबी है, वो मैं कहानी आपको डिटेल तो आज नहीं सुना रहा, लेकिन उन लोगों ने उस तारे के पीछे चलकर फाइनली एक शिशु का दर्शन किया। वो शिशु थे प्रभु यीशु, या जिनको सारा संसार ईसा या जगत की ज्योति के रूप में जानता है। जनरल नॉलेज की किताब में प्रभु यीशु को या ईसा को जगत की ज्योति कहा गया है। तारे के प्रकाश को देखकर उन्होंने फाइनली जगत की ज्योति, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, 2-2.5 साल के रहे होंगे उस समय प्रभु, प्रभु को पा लिया, प्रभु का दर्शन किया। और जब उन्होंने राजाओं के राजा का दर्शन किया, साष्टांग पृथ्वी पर गिरकर उन्होंने, राजा को तो जमीन पे गिर के दंडवत करते हैं, जो राजाओं का राजा है उसको उचित तरीके से साष्टांग प्रणाम किया। और उसके बाद उस जमाने में जो सबसे मूल्यवान चीजें थी, सोना, चोखा सोना है, जिसको हिंदी में अपन कुंदन बोलते हैं, सोना, लोबान, लोबान जो सिर्फ ईश्वर को दिया जाता है, गंधरस,
उस जमाने का सर्वोत्तम परफ्यूम था। आज के हिसाब से यदि कहा जाए तो उसकी एक बोतल खरीदने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत है। सिर्फ राजाओं को उपलब्ध था। ये उन्होंने उस बालक के सामने चढ़ाया क्योंकि वो समझ गए थे कि यही है। प्रभु ने मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी में जन्म लिया, यही वो हैं। जब प्रभु 30 साल के हो गए तब अचानक घर छोड़कर निकल लिए, 12 शिष्यों को चुना, मेरे पीछे आओ, सब काम धंधा छोड़ दो, मैं तुम लोगों को वो बात बताऊंगा जिसके द्वारा तुम दुनिया में लोगों को ईश्वर के पास लाओगे। 3.5 साल तक प्रभु ने घूम घूम कर लोगों को शिक्षाएं दी, लेकिन एक बात प्रभु बार बार बोलते थे और वो बात यह है, मैं इस संसार में जो पधारा हूं, मनुष्य रूप लेकर इस जगत में आया हूं, ये मुक्ति का रास्ता खोलने के लिए आया हूं। प्रभु ऐसा क्यों बोलते थे, इसके पीछे कारण है। प्रभु जहां भी जाते थे अंधे लोग उनके पास आते थे, प्रभु उनको नजर दे देते थे, आंखों की रोशनी दे देते थे, लंगड़े लोग आते थे लंगड़ा के जाते थे दौड़ते हुए। जिंदगी भर जो खटिया पे पड़े रहते थे, जो आंखों के अलावा कुछ भी नहीं चला सकते थे, ऐसे लोगों को उठा उठा कर लोग बिस्तर पर प्रभु के पास लाए। उनमें से कईयों का इतिहास प्रभु के वचन में देखते हैं कि जिस खटिया पे उनको लाए थे वो खटिया अपने कंधे पे रख के वो आराम से चले गए। प्रभु जहां भी थे वहां यदि किसी की मृत्यु हो जाती थी तो प्रभु उसको तुरंत जीवन दे देते थे। बल्कि एक फैमिली थी जिनके साथ प्रभु का बहुत स्नेह था। उस परिवार में जब 2 बहनें थी एक भाई था, जब भाई की मृत्यु हो गई उसके 3रे दिन जब प्रभु उस गांव में पहुंचे तो प्रभु उस कब्र के पास जाकर प्रभु ने आज्ञा दी, बाहर आओ। जो आदमी जिसको गुजरे हुए 3 दिन हो गए थे वो चलता फिरता कब्र के बाहर निकल के आया। तो जब प्रभु इस तरह के कार्य करते थे तो लोगों को लगता था कि आहा, यदि प्रभु इस देश के राजा हो जाएं तो खाने की कमी नहीं होगी, पीने की कमी नहीं होगी, मतलब वो लोग अंगूरी शरबत पीते थे, बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रभु बार बार उनको याद दिलाते थे, देखो मैं जहाँ हूँ वहाँ स्वास्थ्य है, चंगाई है, भोजन है, लेकिन मेरे इस संसार में आने का मेन लक्ष्य ये नहीं है। मुख्य मकसद यह है कि तुमको मुक्ति का रास्ता खोल के दे दूँ। कई बार शिष्यों ने उनसे पूछा, प्रभु ये मुक्ति का रास्ता आप कैसे खोलेंगे, तो प्रभु ने बार बार उनको ये बात याद दिलाई। आज से कुछ दिनों के बाद मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, जो मुझे सूली पर चढ़ाकर मेरी हत्या करेंगे, उनको लगता है कि वे लोग मेरी हत्या कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि उनको तो प्रभु उनका उपयोग कर रहे हैं। मैं तो आया इस संसार में इसलिए हूं कि मनुष्य के पाप के लिए सूली पर अपनी जान दूं, मनुष्य के पापों के लिए अपना बलिदान दूं। और जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही हुआ। जब समय आया तब उन लोगों ने प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया। सूली पर पड़े पड़े प्रभु ने ये घोषणा की, पूर्ण हुआ। क्या पूर्ण हुआ? मनुष्य को उसके पापों से बचाने के लिए और मुक्ति का रास्ता खोलने के लिए जो कर्म है वो पूरा हो गया। प्रभु की मृत्यु हो गई, प्रभु को दफना दिया गया। जिस तरह से यहूदियों का सिस्टम था उस हिसाब से दफना दिया गया। दफनाने के बाद लेकिन जिस तरह से प्रभु ने कहा था उस तरह से 3 दिन और 3 रात के बाद प्रभु पुनर्जीवित हो गए। जी हाँ, जिंदा हो गए। और जिंदा होने के बाद 40 दिन तक प्रभु लोगों को दर्शन देते रहे। हजारों लोगों को उन्होंने दर्शन दिया और उन सबसे कहा, देखो मेरे बच्चों, मैं इस संसार में आया ही
इस काम के लिए था, जैसे कि तुम्हारे पापों के लिए मैं सूली पर अपने जीवन बलिदान दूं, मैंने अपने जीवन तुम्हारे लिए बलिदान दिया, अब एक काम करो, मेरे पास आओ। मान लो कि तुम पापी हो, मान लो कि तुम्हारे पापों के लिए मैंने सूली पर बलिदान दिया और मुझे मुक्तिदाता मान लो। 40 दिन के बाद सैकड़ों लोगों के देखते देखते प्रभु स्वर्गारोहण कर गए। जाने से पहले प्रभु ने एक बात कहा था, मैं वापस आऊंगा। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद स्वर्गदूतों का एक ग्रुप वहां आया, उनसे कहा देखो तुम लोगों को एकदम से प्रभु बिछड़ गए हैं ऐसा लग रहा होगा, तसल्ली रखो प्रभु वापस आएंगे, जैसा गए थे वैसे ही वापस आएंगे। उसके लिए प्रभु ने बहुत सारे लक्षण बताए थे, प्रभु ने स्वयं कहा था मैं वापस आऊंगा, उसके पहले के लक्षण, दुनिया में युद्ध होंगे। यहां ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने कभी युद्ध के बारे में सुना नहीं है? दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, किसी को कुछ फायदा होता है क्या? अरे दोनों तरफ से सैकड़ों हजारों लोग मारे जाते हैं, क्या फायदा होता है? पैसे का नुकसान अलग, किसी को कोई फायदा नहीं होता, इसके बावजूद लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। आप खुद जानते हैं हिंदुस्तान के बॉर्डर पर बीच बीच में पाकिस्तान गोली चलाता है, अपन कुछ नहीं करते इसके बावजूद वो गोली चलाते हैं, क्यों? प्रभु ने कहा था कि ऐसा ही होगा। मध्यपुर में तो टेंशन ही टेंशन है, एक दूसरे पे बम डालने की कोशिश कर रहा, दूसरा एटॉमिक बम बनाने की कोशिश कर रहा है। कोरिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्थ कोरिया जरा सा पिद्दी सा देश है, सारी दुनिया के लोग उसके कारण टेंशन में है, क्यों? उसने एटम बम बना लिया है या बनाने जा रहा है, वो कह रहा है कि बनाने जा रहा है, संभावना इस बात की है कि उसने बना लिया है। प्रभु ने कहा था मेरे आने से पहले ये चिन्ह होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, युद्ध होंगे, परिवार टूटने लगेंगे, माँ बाप बच्चों के विरुद्ध और बच्चे माँ बाप के विरुद्ध हो जाएंगे। गांव में देखा है क्या परिवार कैसे टूटते हैं? बड़ा भाई छोटा भाई के साथ, छोटा भाई बड़े के साथ किस तरह से करता है। प्रभु ने जो कुछ कहा था वो हमारे सामने पूरा हो रहा है, जिसका मतलब है प्रभु बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। लेकिन प्रभु के वापस आने से पहले तैयारी हमको करनी है। क्या तैयारी करनी है? प्रभु ने कहा था कि प्रभु के जो भी बच्चे होंगे उनको प्रभु अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए आज हमको ये निश्चय करना है कि हम प्रभु के बच्चे हैं। आज से 60 साल पहले जब मेरे फादर ने मुझे ये बात बताई, वहीं घुटने टेक कर मैंने कहा प्रभु मैं पापी हूं, आपने सूली पर मेरे पापों के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, अपना बलिदान दिया था, मैं ग्रहण करता हूं कि वो कुर्बानी आपने मेरे लिए दी थी, मैं आज आपको मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। उस क्षण से मेरे जीवन में जो खुशी और जो शांति है उसको आज तक कोई मुझसे छीन नहीं सका है। इस सत्संग में ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं जो खड़े होकर ये गवाही दे सकते हैं, या जिनसे आप प्राइवेट में पूछें तो प्राइवेट में आपको बताएंगे कि हाँ मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, मेरे जीवन में वो खुशी है और वो शांति है। इस कारण आज शाम को जो भाई और बहन प्रभु के वचन से प्रभु की वाणी सुन रहे हैं उनसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपने अपने जीवन में मुक्ति पाली है क्या? आपको यकीन है क्या कि आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है? यदि नहीं तो आज इस सभा के बाद मुझसे बात कीजिए। यहाँ और भी कई लोग हैं जो आपसे बात करने के लिए और ये सारी बातें आपको समझाने के लिए उत्सुक हैं। यदि हिंदी नहीं जानते, उड़िया बोलने वाले भी हैं, बिहार से भी सज्जन बैठे हुए हैं जो आपको आपकी भाषा में या आपकी जो उपबोली है उसमें अच्छी तरह से समझा देंगे। प्रभु की दया है कि ऐसे लोग इस सभा में मौजूद हैं
जो आपको आपकी भाषा में समझा देंगे, लेकिन मेरा अनुरोध यह है, देखिए, जानबूझकर यदि कोई जानवर देख रहा है कि सामने मुझे फांसने के लिए फंदा है और इसके बाद वो जानवर जाके उसमें फंस जाता है, तो उसकी तो मौत निश्चित है। शिकारी जाल क्यों डालता है? जानवर को पकड़ के मार डालने के लिए, जिससे उसके खाल का उपयोग हो और इन्हीं चीजों का उपयोग हो, दवा दारू बन सके। तो वो जानकर भी यदि जानवर जाता है तो वो अपने आप को नष्ट कर देता है। उसी तरह से आज शाम को मुक्ति या उद्धार के बारे में सुनने के बावजूद यदि आप इस उद्धार की उपेक्षा करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप स्वयं अपना नुकसान कर रहे हैं। ऐसा ना कीजिए, आज शाम को प्रभु के पास आ जाइए, नया जीवन पा लीजिए। हम इस सभा को प्रार्थना के साथ क्लोज करेंगे। कुछ हफ्तों के बाद भाई बरनबास वापस आ गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध है कि आकर प्रार्थना में इस सभा को क्लोज करें। भाई आलोक ने खबर दी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, तो भाई बरनबास उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जब प्रार्थना के बाद जब चाय पानी के लिए आप लोग पीछे जाएंगे, तब भाई आलोक हमारे पास आ जाएं, जिससे कि हम उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकें, और पीछे से जो सीनियर भाई लोग हैं वे लोग भी आ जाएं, जिनसे कि हम उन पर हाथ रख के प्रार्थना कर सकें, ना केवल भाई आलोक। आज जितने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उनमें से यदि कोई भाई या बहन है जो शारीरिक या मानसिक रूप से किसी बात से पीड़ित है, तो आपके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। आगे आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई बरनबास।